आज ना आपको मम्मी और भाभी एक चीज बताएंगे। चलो बोलो भाई, मेरे मुंह तो तुम बड़ी बारी सुने, जिन्होंने मुंह सुनो थोड़ी उच्ची बोलिया जे। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਜਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡੌਗ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਡੌਗ ਬਿਸਕਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਸਕਿਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਬ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬਤਾ ਦੇਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਘਰ ਸੇ ਫੀਡਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਟੀ 2 ਮਿੰਟ। तो मैंने मम्मी और से पूछा, मैं कि मम्मी डॉग बिस्किट नहीं पड़े हुए, क्योंकि कई बार ना डॉग बड़े खुश होके खाते हैं। तो मम्मी बोले नहीं डॉग बिस्किट नहीं है, हमने पूरा घर छान मारा हमें मिले नहीं, है ना। तो मैं ऐसे ही चले गए खाना लेके। अभी मैं घर से निकली थी तो 10 मिनट बाद क्या आता है, ये कॉरियर, ये देखो। अरे कॉरियर में बिस्किट देखना कितने सारे हैं, इतने सारे बिस्किट आए, मतलब इतने सारे बिस्किट है, और इतने बिस्किट पहले इकट्ठे कभी नहीं आए। तो मैं फिर बोलती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो एग्जांपल्स हैं, जो मेरी विशेस पूरी होती हैं बिना कहे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जिस दिन आप इन बेजुबानों की सच्चे मन से सेवा करने शुरू कर दोगे ना, परमात्मा किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे घर आते हैं वो अपना दाना पानी खुद ले के आते हैं, हम तो जस्ट एक जरिए हैं इन बच्चों तक खाना पहुँचाने वाले, इनको वही पता है मुसीबत में इनके वक्त आने वाले। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर किसी बेजुबान की सेवा ना कर पाओ, खाना ना दे पाओ, तो प्लीज़ उन्हें हर्ट भी मत किया करो, बहुत बुरी तरह मत मारा करो। सो ये आज छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास डॉग बिस्किट नहीं थे और किसी हमारे फॉलोअर ने इतने सारे बिस्किट देखो ऑर्डर किए और बिस्किट हमारे घर आ गए। कि जब जब कोई ऐसा वक्त आता है ना, मतलब जब ये चमत्कार होते हैं तो ये भगवान के ना साइन होते हैं। बोलते हैं ना भगवान खुद नहीं आ सकते, वो कुछ ऐसा करते हैं कि आपको एहसास होता रहे कि वो आपके आसपास है और आपके किसी भी चीज़ में वो कमी नहीं आने देंगे। सो प्लीज़ ये मेरी वीडियोस देख के ही, चाहे कोई किसी बंदे के कोई सेल्फिश मोटो हो ना, अगर उसी से भी किसी की सेवा करनी शुरू करोगे ना, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी।